है गाइस, अगर आप लोग का भी YouTube चैनल पे रील्स कंटेंट का प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो, रीअप्लाई कैसे कर सकते हो, इसमें आप लोग का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आप लोग सीख पाएंगे एंड समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा एक YouTube चैनल था जो कि मैं बार बार YouTube मतलब कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, रीअप्लाई कर रहा हूँ, तो बार बार मेरा क्या हो रहा है कि मोनेटाइजेशन पे मतलब रील्स कंटेंट आ जा रहा है, मेरा चैनल जो मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं जो कि रील्स कंटेंट आता है, या फिर मतलब रीअप्लाई कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसमें आप लोग का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो कहीं भी आपको स्किप नहीं करना, अगर आप वीडियो का स्किप कर दे तो भाई, तो आपका जो रीअप्लाई का ऑप्शन है वो फिर आ जाएगा, आपका यूट्यूब चैनल जो मोनेटाइज नहीं होगा, फिर से आपका रील्स कंटेंट प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपका जो प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको ये रील्स कंटेंट क्यों आता है, किस वजह से आता है। मैं सबसे पहले ये बात मैं आप लोगों को डाउट जो है क्लियर कर देता हूं, उसको आप लोगों को आगे बताऊंगा कि इस रीअप्लाई कैसे करना है, और यहां पे हम लोग क्या क्या मतलब प्रोसेस आपको करना है, क्या क्या बात का ध्यान रखना है जो कि आपको रील्स कंटेंट का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पे रील्स कंटेंट आने का मतलब, रील्स कंटेंट का मतलब यही होता है कि आप मतलब किसी दूसरे का वीडियो यूज़ करते हैं, या फिर दूसरे का कुछ म्यूजिक यूज़ करते हैं, या फिर किसी दूसरे का मतलब कुछ कंटेंट अगर हम लोग अपने वीडियो पर यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन हम लोग यूट्यूब चैनल पर रील्स कंटेंट का प्रॉब्लम आता है, रील्स कंटेंट आता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको किसी भी दूसरे का वीडियो, या फिर दूसरे किसी का भी कुछ भी कंटेंट आपको यूज नहीं करना है यूट्यूब पे। ठीक है, और आप किसी से मतलब कि वीडियो डाल यूट्यूब से डाउनलोड करके अगर यूज़ करते हो, फिर किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हो, किसी का सॉन्ग यूज़ करते हो अपने वीडियो पे, तो ये रील्स कंटेंट का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, चाहे रील्स कंटेंट मतलब प्रॉब्लम आपको कब आएगा, जब आप यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे तब आपको ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको किसी का भी वीडियो, किसी का भी बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, अगर आप यूज़ करोगे तो आपको ये रील्स कंटेंट का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि रील्स कंटेंट कैसे आता है, क्यों आता है। तो आपको किसी भी दूसरे का कुछ भी आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, और बात करें यहाँ पे कि हम लोग रीअप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड, जो कि आपको आना है यूट्यूब मतलब कि क्रोम ब्राउज़र पर आना है, यूट्यूब लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको वहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपको आना है अपने जो चैनल का मतलब कि डैशबोर्ड पे ओपन कर लेना, उसके बाद आपको आना है अपने चैनल का जो लोगो दिखता है उस पर आपको आ जाना है। आने के बाद आपको आना है यूआर चैनल पे, कस्टमर चैनल पे आके आपको मोनेटाइजेशन वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको आ जाना। ठीक है, तो आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे रीअप्लाई का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल सा आपको करना है कि रीअप्लाई पे आपको क्लिक करना है। रीअप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रीअप्लाई पे क्लिक कर दे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि जितना तारीख को आप यहाँ पे रीअप्लाई करोगे वो तारीख आपको दिख जाएगा, जो कि मैंने आज ही अब रीअप्लाई किया है। उस पर देखूंगा कि यहाँ पे चैनल मोनेटाइजेशन होता है या फिर नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको अंदर रिव्यू में भेजने के लिए चैनल को रीअप्लाई करने से पहले आप जितना भी सारा रीयूज कंटेंट वाला वीडियो यूज़ किए हो, जितना भी सारा रीयूज कंटेंट वीडियो है, सब वीडियो का वो डिलीट करना है, या फिर टैग में उल्टा पुल्टा लिखो आपको वो चेंज करना है, थंबनेल अगर उल्टा पुल्टा कुछ है रीयूज कंटेंट का थंबनेल उसे आपको चेंज करना है, और टैग में अगर कुछ उल्टा पुल्टा डालो तो आपको वो सब चेंज कर देना है। उसके बाद आपको रीअप्लाई कर देना, आपका चैनल 100% मोनेटाइजेशन हो जाएगा। अगर आप रीयूज कंटेंट वाला वीडियो थंबनेल सब हटा देते हो, डिलीट कर देते हो, तो आपका चैनल जो है वो 100% मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए प्लीज वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि दोस्तों को पता है कि इसी तरह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहती है।